ऑर्गेनिकली आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी एंड द सॉन्ग इज ब्यूटिफुल. बहुत ही जज्बे के साथ, बहुत ही पैशन इस गाने में है. इट्स अबाउट कैसे एक सक्सेस स्टोरी कैसे फेल होता है वो लाइफ पर और कैसे वो बढ़ता है एंड विद नॉट जस्ट अलोन विद हिज फ्रेंड्स. ब्यूटिफुल लवली लवली सॉन्ग दोस्ती. एक्चुअली यू हैव बीन लाइक आई हैव सीन योर फ्रेंडशिप विद सो मेनी पीपल. टेल अस समथिंग अबाउट फ्रेंडशिप, हाउ फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. यू नो, ये हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि जब आप कुछ नहीं होते हो, आपके साथ कुछ दोस्त जुड़ते हैं और आप एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को उधार दे के, एक दूसरे के साथ यू नो एक ही कमरे में सोकर आप आगे बढ़ते हो, देन यू हेल्प ईच अदर इन वर्क. बट जब आप सक्सेस पाते हो, आप उन्हीं दोस्तों को भूल जाते हो. दिस सॉन्ग सेज दैट व्हेन यू रीच, व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, डू नॉट फॉरगेट योर फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट दोज पीपल जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया. बिकॉज इवेंचुअली मरकर आपको ऊपर ही जाना है और ऊपर भगवान पूछेगा कि आपने क्या किया, आपने अच्छा काम क्या किया. पैसे तो सभी कमा लेते हैं. सो आई फील फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है विराज के स्टाइल में भी. स्टिक हो या घड़ियाँ हो या उसका एटीट्यूड हो या उसका कैरेक्टर हो, एंड इट्स रियली पूरा रॉकी भाई है KGF का, बट क्लीन शेप इन. जैसे कि आप दोस्ती की बात करते हैं, इंडस्ट्री में ऐसा कोई दोस्त जो अभी तक आपके साथ बरकरार है फ्रॉम योर स्टार्टिंग डेज टू नाउ अभी तक, जैसे आप कहते हैं कि हाथ उठा के लेकर जाना ऊपर, ऐसा कोई दोस्त आपके भी जीवन में होगा तभी आप उसको समझ पा रहे हैं. एक दोस्त है जो जो कि अभी वायकॉम में है, मतलब वो ऑफकोर्स बिहाइंड द कैमरा है. हाशिम नाम है उसका. वो मेरे साथ 8th स्टैंडर्ड में था और आज वो ही बहुत बड़े मुकाम पर है वायकॉम में. सो ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. रघुराम जो है, पिछले 15 साल से मैं उन्हें जानता हूँ. ही इज़ देयर. मेरे थिएटर के बहुत सारे दोस्त हैं. जूही बब्बर है, एंड जब मैं थिएटर करता था, सिद्धार्थ हल्दीपुर जो बैंड ऑफ बॉयज़ के हैं वो है. सो आई रेगुलर मुलाकात नहीं होती है, बट जब वो मिलते हैं ना तो मैं रियली मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाता है और जैसा मैं पहले था मैं वैसा हो जाता हूँ. अब अभी वैसा ही हूँ. एक आखिरी सवाल, 26 सितंबर से विराज इज़ बैक. आप पर्सनली कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? एंड आप लोग सब लोगों ने टीजर देखा? आई नो, आई रियलाइज, आई थिंक यू नो व्हाट, ये पूरा इंटरव्यू जाए ना जाए ये जाना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 6 महीनों में जितने मीम्स बने हैं ना सौभाग्यवती भव के, मुझे लगता है उसी वजह से शो वापस होने रुआ है पार्ट 2. भाई लास्टली अभी गणपति जी आने वाले हैं, क्या कुछ आप शुभकामनाएं देंगे? बस अभी हम गणपति मैं जस्ट जाकर उधर ही आया हूँ मम्मी के साथ. हमने बुक किया, इस बार हम बना नहीं रहे बिकॉज बच्चे नहीं हैं यहाँ पर, एंड आई एम ऑल्सो शूटिंग कंटिन्यू, सो आई डोंट हैव अ टाइम. अदरवाइज इफ द किड्स वर देयर दे वुड हैव हेल्प मी, वो मेरी मदद करते बनाने करने में, बट गणपति जरूर बैठेगा. सो आई एम होपिंग टू सी ऑल ऑफ यू ऑल. एक एक आपकी सवाल, एज वी कैन सी विराज इज बैक, तो शरारत के वो दिन भी का फिर से नॉस्टैल्जिक हो गया हमारे मन में? ये दिन है वो भी देख, इनफैक्ट शरारत के दोस्त अभी भी है. वो शरारत को 20 साल हो गए. यस, 20 इयर्स. So and they are very close to me. Shruti, Simple, Harsh, Aditi, Farida ji, they are very close. So मैं अपने दोस्तों को हमें जहाँ जाता हूँ वो हमेशा रहते हैं और फिर वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते जैसा मैं पहले था. अच्छा, या थैंक्स मैन, प्लीज एंड वॉच 26 सितंबर से सौभाग्यवती भव. गानों का तो ऑब्वियसली बॉलीवुड है तो गाने तो बनना ज़रूरी है हमारा. रोमांटिक माहौल चल रहा है, बारिश का मौसम है, बॉम्बे रेन्स फेमस है, एंड आई वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट विवेक, करण, गौतम, ये सब फ्रेंड्स ही हैं. और विवेक का आज म्यूजिक लेवल का भी लॉन्च हो रहा है M+, सो आई वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम. थैंक यू. एंड मैम लास्टली आज गणपति सभी के बीच में आने वाले मुंबई पर गणपति जी की जान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं खुद गणपति रखती हूँ 19th को, आप सबको भी इनवाइट है गणपति का. सो गणपति बप्पा मोरया पहले तो, और 19th को हम लोग रख रहे हैं और 5 दिन के लिए गणपति मैं खुद अपने घर पर रखूँगी. सो यस, पूजा करेंगे प्रॉपर, उनका आशीर्वाद लेंगे सबके लिए. थैंक यू.
अभी बस कुछ दिनों में मेरी गुजराती फिल्म रिलीज हो रही है, दैट इज थिएट्रिकल रिलीज कॉल इट्टा किट्टा, और जल्दी हम लोग उसका पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं और दिसंबर में हम लोग की रिलीज है। थैंक यू, थैंक यू। सॉन्ग्स आते जाए, इस पर आपकी क्या राय है, किस तरीके के ट्रेंड ज़्यादा करते हैं सॉन्ग? यार क्या है ना कि जब मैं छोटा था, मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज में था ना, तब वो बहुत ही एक MTV पर चैनल वी पर हम म्यूज़िक वीडियोस का वेट करते थे। जैसे फाल्गुनी पाठक का कोई वीडियो आया, दलेर पाजी का कोई वीडियो आया, यू नो, फिर वो दौर बंद हो गया, यू नो, वो वीडियोज आने बंद हो गए। अब जाके फिर एक दौर आ रहा है जब सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोज़ यूट्यूब पर आ रहे हैं। हाँ, थोड़े दर्द भरे आशिकों का ज़्यादा ही आ रहा है आज कि तू मुझे छोड़ के चली गई, मैं डूब गया, मैं शराब पी रहा, वो सब है ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत अच्छे गाने भी आ रहे हैं। इट्स अ नाइस मिक्स ऑफ ऑल द सॉन्ग्स। तो मुझे लगता है वो जो MTV चैनल वी वाला तो म्यूज़िक वाला ज़माना था, जब हम TV पर म्यूज़िक वीडियोस देखते थे, वो फिर एक बार आ रहा है यूट्यूब पर, तो इट्स रिफ्रेशिंग। यार मैं फन लविंग हूँ, मुझे फन गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे दर्द भरे गीत कभी कभी अच्छे लगते हैं, पर अगर दर्द भरे गीत भी सुनने हो तो मैं किशोर दा के सुनता हूँ। तो मोर ऑफ फन सॉन्ग्स, मोर ऑफ हल्ला गुल्ला, एंड मुझे वैसे गाने ज़्यादा पसंद। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, M+Beats का ये म्यूजिक वीडियो है, ऑल द करण तो दोस्त है मेरा, बोरा गुलाटी भी दोस्त है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम, एंड नई म्यूजिक कंपनी है, नया लेबल है, प्लीज वॉच देम एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। अगर आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या कुछ नया देखने मिलेगा आपकी तरफ से? बहुत कुछ नया देखने मिलेगा। आई एम डूइंग अ वेब शो विच इज़ गोइंग टू बी शॉट इन बड़ौदा, अभी 10 दिन ही हूँ मुंबई में, उसके बाद चला जाऊँगा। इट्स कॉल्ड श्रृंगारिका, टाइटल ऑफ द शो इज श्रृंगारिका। उसके बाद नेटफ्लिक्स का एक शो है जो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी मराठी फिल्म आएगी जो बहुत बड़ी, मैं और स्वप्निल जोशी है उसमें, उसे प्लीज़ देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, अमी दोगे पार्टनर्स, बस उसके बाद कोई काम नहीं, उसका बेकार हो, उसके बाद कोई काम होगा तो वो भी दीजिए। बोल बाप, एक्चुअली म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई टोटली फील इट। तो जिस टाइम जो मूड होता है, जैसा मुझे फील होता है, उस टाइम पे मैं वैसा म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। इट डिपेंड्स, वो भगवान के गाने हैं और वो मोटिवेशनल सॉन्ग है और वो सम न्यू पंजाबी हिप हॉप हैं या सम गुड लिरिकल सॉन्ग्स, सो आई लव टू हियर ऑल द सॉन्ग्स एंड आई रियली लव म्यूजिक। दे हैव बीन वर्किंग सो गुड लाइक फॉर सो मैनी ईयर्स नाउ एंड दे आर वेरी सीनियर टू मी, आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट देम एंड से ऑल द बेस्ट। या वी आर ट्राइंग, सो लेट्स सी इफ समथिंग वर्क्स आउट, या फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। सी फॉर माई फैंस, आई जेन्युइनली से दिस दैट यू डोंट नो मी पर्सनली, बट तब भी आप फैमिली जैसा मुझे प्यार करते हो, फैमिली जैसा सपोर्ट करते हो, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स में आप मेरे साथ होते हैं, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। जी जी, पापा इज ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लास्ट ईयर भी मैंने अपने घर रखे थे, इस साल भी मैं कोशिश करूँगा कि हो, तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है मुंबई में पूरे साल का, सबसे खूबसूरत टाइम। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ थोड़ा, आज हमारा बदनाम किया है गाने का पोस्टर लॉन्च है जो जी म्यूजिक में रिलीज हो रहा है, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं M+Beats, जिसको गाय देव नेगी एंड गुल सक्सेना ने, एंड जिसमें फीचर कर रहे हैं मुस्तफ़ा अली जो लास्ट मशीन फिल्म में हीरो थे, एंड समीधा जी फीचर कर रहे हैं, अतीफ जी इज़ द M+Beats के चेयरमैन है, एंड ऑल अप टू यू, प्लीज़ आप लोग बताइए। देव, आपसे शुरू करते हैं। देव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाना गाकर, क्योंकि गाने की कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी थी। विवेक जो मेरे फ्रेंड है बहुत सालों से, उन्होंने मुझे कॉल किया कि गाना करना है, और मुझे गाना बहुत अच्छा लगा,
और आई होप सो कि जब ये गाना आप लोगों तक पहुँचेगा तो आप लोग भी उसे पसंद करेंगे, मुझे तो बहुत पसंद है। सलूम, मैंने ये जो सॉन्ग किया है उसमें मैंने एक्ट किया है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे जो सॉन्ग के प्रोड्यूसर हैं करण सिंह चौहान, ऑब्वियसली वो पार्टी में नहीं है तो मिस्ड है कुछ ना कुछ, उनकी वजह से ये सॉन्ग बना है हमारा। और विवेक हमारे डायरेक्टर हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, हमने सारी टीम अप करके बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया है हमने, और हमें मतलब उम्मीद है कि गाना हमारा चलेगा, हिट होगा। और जी में रिलीज़ हो रही है हमारी सॉन्ग, राइट, जी में रिलीज़ हो रही है, 16th को रिलीजिंग है। तो बस आप लोग का बहुत सारा प्यार चाहिए, हमने मेहनत करा है। एंड नेक्स्ट हरमान नसीम, प्लीज़ आइए। नसीम के साथ हमारे दो गाने आ रहे हैं, जीत की जुबान एंड करणवीर बोहरा के साथ है, एंड द अदर इज़ दुनिया में कोई अपना नहीं होता, जिसमें गौतम गुलाटी, अक्षिता मुद्गल एंड या नसीम कुछ कहना चाहेंगे? कुछ क्या सर, बहुत कुछ कहना चाहेंगे, गानों की बरसात लगा दी आपने। बिकॉज ऑफ हिम कि लाइफ में कोई अपना नहीं होता जैसा आपने गाने में सुना है, लेकिन यहाँ मेरा कोई अपना है। विवेक दा, बिकॉज बॉम्बे जैसी जगह में इजीली लोग मतलब अच्छे लोग मिलते नहीं है, बहुत ढूंढने के बाद मिलते, तो मुझे टाइम तो काफ़ी लगा ढूंढने में, बट फाइनली आई गॉट हिम। और जैसे कि वो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो बहुत अच्छे बाय नेचर बाय हार्ट, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, और एज अ ब्रदर एज अ मेंटर, क्योंकि मैं तो गाता तो हूँ बट क्या किस टोनल क्वालिटी में गाना है वो ही नोज वेल। थैंक यू नजीम, आप लिटरली आप मुझे सोचना भी नहीं पड़ा मैं किसी और के वॉइस में ट्राई करूँ गाना, अतीत जी ने अप्रूव भी किया ये वॉइस, एम प्लस बीट्स के जो चेयरमैन है, दुनिया में कोई अपना नहीं होता का, आई मीन अतीत जी प्लीज ऑल अप टू यू। एक्चुअली हम लोग जब स्टार्टअप लेना चाह रहे थे तो हमारे माइंड में था कि एक हम लोग मोटिवेशनल सॉन्ग बनाएंगे, तो विवेक भाई ने जब वो सॉन्ग हम लोगों को सुनाया तो हमने उसे पहली बार में ही सिलेक्ट किया और उस गाने पे आगे बढ़े। उसके अलावा विवेक भाई ने एक गाना बोला मतलब ऐसे ही कि यार एक गाना और है दे सुनना, तो उसमें जो लाइन थी कैसे कैसे लोग होते हैं झूठी मूठी बातें करते हैं, मतलब इतनी कॉमन लाइन्स है, ये हर एक इंसान मैं समझता हूँ दिन में एक आध बार बोल ही देता होगा, मतलब हर एक कॉमन पर्सन से ना रिलेट करती है। तो मैंने गाना सुना नहीं, मुझे नहीं पता कौन गाने जा रहा है, मुझे नहीं पता उसके क्या लिरिक्स हैं, क्या कंपोजिंग है, कुछ भी नहीं पता था, बस सिर्फ इस लाइन की वजह से मैंने विवेक भाई से कहा कि इसे डन करते हैं, एंड टचवुड यार बहुत ही प्यारा गाना बन के आया है। प्लीज विवेक भाई, आई मीन श्रुति जी जो बदनाम किया के प्रोड्यूसर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, दिस इज आवर फर्स्ट सॉन्ग वी एवर प्रोड्यूस्ड, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ विवेक, सॉन्ग आई बिलीव इज ब्रिलियंट, तो लेट्स होप यू ऑल आल्सो लाइक इट, एंड हाउ डिड यू गाइस बाय द वे लाइक द सॉन्ग, आई डोंट नो, दैट्स इट, आई थिंक द सॉन्ग इज नाइस एंड वी होपिंग फॉर इट टू डू वेल, थैंक यू। एंड अमित एक दुबले पतले आदमी ने दो शादियां कर ली और खुद खड़ा हो गया बीच में और दोनों पत्नियों को आजू बाजू में खड़ा के पोस्ट कर लिख रहा है एक जवान विद गदर टू। तो फिल्में तो आते रहती हैं, फिल्मों के अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्लीज़ किसी लड़की को मत छेड़ना और ख़ासकर बुरखे वाली को मत छेड़ना, कभी भी किसी बुरखे में राखी सावंत भी हो सकती है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें। और इस वक्त सीमा हैदर बड़ी परेशान है, तीन चार दिन से सचिन को हाथ नहीं लगा पाई, बोले नया रूल आया है बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करनी पड़ेगी, तो सचिन के बाप से बात करनी पड़ रही है और बाप कभी इस वक्त ग्रेटर नोएडा में है नहीं, नोएडा जा चुका है, तो ये सारी बातें इनके अदरवाइज जीत की जुबान और कोई अपना नहीं होता और बदनाम किया है, इन तीनों गानों को थ्री चीयर्स फॉर थ्री सॉन्ग। फर्स्टली आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, स्पेशली यू, यू गॉट अ वेरी ग्रेट वॉइस,
एंड बींग इन टू टी वी एंड फिल्म एंड गाने करने के बावजूद ही मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक वजह ढूंढते हैं एक 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 अच्छे से टैलेंट को सेलिब्रेट करने के लिए. एंड आई गॉट वेरी ऑनर्ड आई थिंक कि मुझे ऐसा मौका मिलता है और मैं हमेशा जाके सेलिब्रेट करता हूँ. ब्यूटिफुल सॉन्ग्स आई हैव सीन ऑल द थ्री सॉन्ग्स ब्यूटिफुल पिक्चराइजेशन बिकॉज बिग बैग के साथ मैं ऑलरेडी एक गाना कर चुका था मुँह छुपाने लगे हूँ तो मुझे पता है उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है. सो ब्यूटिफुली पिक्चराइज एंड ब्यूटिफुली संग बाय हिम एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इट्स अ ग्रेट पार्टी एंड वी ऑल आर हैविंग फन. हाँ देखिए क्योंकि मैंने भी कुछ गाने डायरेक्ट किए थे अभी रिसेंटली सो अभी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज एन डायरेक्टर एज एन एक्टर. और क्योंकि फिल्म्स में काम करना एज एन एक्टर तो वो हम लोग वो परफॉर्मेंस गाने में ढूंढते हैं. एंड ऑल द सॉन्ग्स विच हैव बीन पब्लिश्ड हियर आई हैव सीन द ऑल ब्यूटीफुल स्टोरीज बिहाइंड एवरीथिंग एंड ब्यूटीफुल मैसेजेस देयर. सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीखने को मिला एंड आउटडोर ब्यूटी हैज बीन कैप्चर्ड बहुत अच्छा है. और ऐसे ही मैं दुआ निहाल हो गई सारी चीजें हमने वैक्सीन की थी अमेजिंगली आई एंजॉयड अ लॉट. अब इनके गाने इतने खूबसूरत हैं आज तीनों गाने जो देखे हैं बहुत खूबसूरत हैं. आने वाले सब चीज़ें बहुत बहुत इस प्लानिंग फिल्म होगी तो अभी बस इनको वो पंजाबी में कहते हैं ना चढ़दियाँ कलावा बख्शना चढ़दियाँ कलावा मिले इनको स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएँ ऐसे ही और बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन जाए. थैंक यू. हाँ जी बहुत बहुत अमेजिंग सॉन्ग है मैंने देखा अभी आके और इवन लिरिक्स आर अमेजिंग एंड ऑब्वियसली फीचर जिन्होंने किया उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है. वीडियोग्राफी सिनेमेटोग्राफी सब बहुत अच्छा रहा है मैंने देखा गाना तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है गाने में. इट्स अ वेरी सोलफुल सॉन्ग आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल है एंड ऑब्वियसली दैट इज़ करण वीर बोरा एंड गौतम गुलाटी हमारे इतने फेमस वो है एक्टर्स एंड आई लव बोथ ऑफ द सॉन्ग्स. Thanks to Shehzad for casting such a great cast. Thank you so much. Kudos to him. I think hum aur dekhenge. Casting director. Yes, casting director jo bhi hai. Hum aur dekhna chahenge inke achhe songs. Yes, looking forward to it. Thank you. Yeah, also looking forward for, you know, these kind of songs. And I really enjoyed these songs. ये बहुत अच्छे सॉन्ग बनाए गए. हम लोग ने कश्मीर में फिर उत्तराखंड में शूट किए बहुत प्यारा लोकेशन था और गाना भी सच नाजिम भाई बहुत अच्छे काम किए इसमें गाने के लिए कंपोजर और हमारे आगे फिल्म भी आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच. मीडिया वालों को कैसा लगा आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने खाया पिया आप लोग सबसे मैंने एक घंटे से मेहनत कर रहे हो दो घंटे से मेहनत कर रहे हो कुछ खाया भी आप लोगों ने कोई अपना ब्रो इतनी सब अपने गर्मी में इतने खड़े होके इतनी मेहनत करना हम अंदर खड़े नहीं हो पा रहे आप लोग कमेंडेबल बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया दानिश भाई ने देखा अच्छा लगा तोहफा कैसा करता है सॉन्ग है थैंक यू. तोहफा भी ट्रेंड कर रहा है रील पे तो या बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे जब गाना यूट्यूब पे तो ट्रेंड होते रहते हैं जब रील पे ट्रेंड होता है तो अलग मजा है तो अभी I'm feeling so अभी हम साथ में काम भी करने वाले दानिश भाई के साथ में अभी हमारी सुष्मिता है उनके साथ हमारे काम करेंगे बहुत आगे लोग काम करेंगे आगे जाएंगे और फिल्म भी हमारी है अपकमिंग अभी नाम नहीं बताएंगे आने के बाद बताएंगे आप लोग वेट फॉर इट. थैंक यू सो मच.